तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों हाजिर हो चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो आप लोगों को पता ही है कि सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा तूफान चल रहा है, जो कि है सिंघम अगेन वर्सेस भूलभुलैया 3। लोग कह रहे हैं कि सिंघम अगेन आगे है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भूलभुलैया आगे है। तो असल में पता चलता है एडवांस बुकिंग और कलेक्शन से कि कौन सी मूवी ज़्यादा आगे है। तो एडवांस बुकिंग दोनों की ओपन हो चुकी है। भूलभुलैया 3 ने थोड़ी सी पहले ओपन कर दी थी, सिंघम अगेन ने एक दिन बाद ओपन की है। तो क्या अपडेट निकल कर आ रही है एडवांस बुकिंग दोनों की अभी तक की, मैं आप लोगों को एडवांस बुकिंग इनकी बताने वाला हूँ। ये रिपोर्ट नंबर 2 है। कल मैंने रिपोर्ट नंबर 1 दी थी, जिसमें मैंने आप लोगों को सिर्फ भूलभुलैया 3 की एडवांस बुकिंग बताई थी, क्योंकि सिंघम अगेन की अभी ओपन नहीं थी हुई। तो अब सिंघम अगेन की भी ओपन हो चुकी है, तो अब डेली इनकी आप लोगों को एडवांस बुकिंग रिपोर्ट दिया करूंगा। ये रिपोर्ट नंबर 2 है। तो बात कर लेंगे अभी तक अपडेटेड एडवांस बुकिंग कितनी हुई है। तो अगर आप लोगों को भी जानना है तो बने रहिए वीडियो के साथ लास्ट तक। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो गाइस वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस पहले बात कर लेते हैं सिंघम अगेन की एडवांस बुकिंग की। तो गाइस अभी भी आप लोगों को बता दूं कि फुल एडवांस बुकिंग ओपन नहीं हुई, अभी भी लिमिटेड शोज ही ओपन किए गए हैं। आज रात तक हो सकता है इसकी फुल एडवांस बुकिंग ओपन कर दी जाए। अभी तक अगर बात की जाए कितने शोज़ में एडवांस बुकिंग ओपन की गई है, तो अभी तक 650 शोज सिर्फ खोले गए हैं, जो कि बहुत ही कम शोज़ खोले गए हैं। एवरेज टिकट प्राइस की बात की जाए तो वो रखा गया है 194 रुपये, जो कि बहुत ही अच्छा रखा गया और आप लोग कह सकते हो कि एक अच्छा टिकट प्राइस है, जिसमें आप लोग आम पब्लिक को भी आता हुआ देखेंगे। दूसरी तरफ अगर आप भूलभुलैया 3 का एवरेज टिकट प्राइस देखते हो तो वो ज़्यादा है, वो भी आप लोगों को आगे चल कर बताता हूँ। उससे पहले देख लेते हैं सिंघम अगेन ने अभी तक टिकट कितने सोल्ड कर लिए हैं। तो गाइस अभी तक सिर्फ 18,040 टिकट इसने सोल्ड किए हैं। हाँ जी हाँ गाइस, 18,040 टिकट सोल्ड कर ली हैं, जो कि फिर भी देखा जाए एक अच्छा नंबर है। कल रात को लेट नाइट इसकी एडवांस बुकिंग ओपन की गई थी और आज सारा दिन हुई है, फिर भी अगर देखा जाए तो ठीक इसने जो है टिकट सोल्ड कर लिए हैं। वहीं अगर मैं आप लोगों को इसका कलेक्शन बताऊं तो अभी तक इस मूवी ने जो है वो 29 लाख रुपये का एडवांस बुकिंग कलेक्शन इंडिया से कर लिया है, जो कि आप कह सकते हो कि ठीक ठाक है। क्योंकि जब आप लोग मूवी की तरफ देखते हो तो मूवी में बहुत बड़े बड़े नाम है और बहुत ही बड़ी मूवी है, उस हिसाब से देखोगे तो आपको कम लगेगा। लेकिन आप लोगों को बता दूं अभी इस मूवी को रिलीज़ होने में 2 दिन है, जैसे ही आखिरी दिन होगा रिलीज़ होने में तब इसकी एडवांस बुकिंग तेज़ी से बढ़ने वाली है। तो अभी तक इसने 29 लाख रुपये की एडवांस बुकिंग कर ली है। बाकी आप सिंघम अगेन देखने जाने वाले हो या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो अभी बात कर लेते हैं भूलभुलैया 3 की। तो सच में अगर बताऊँ तो भूलभुलैया 3 बहुत आगे चल रही है सिंघम अगेन से, क्योंकि इसकी एडवांस बुकिंग भी पहले ओपन कर दी गई थी और बहुत सारी फैमिली ऑडियंस ऐसी है जो कि भूलभुलैया 3 को पहले देखने जाएगी। तो बात करें अब तक इसने कितनी टिकट सोल्ड कर लिया, उससे पहले इसकी शोज़ देख लेते हैं। तो जहां सिंघम अगेन आप लोगों को मैंने बताया है कि सिर्फ 650 शोज़ में एडवांस बुकिंग ओपन की गई है, वहीं जो है भूलभुलैया 3 की 2100 शोज़, यहाँ का इस 2100 शोज़ में एडवांस बुकिंग ओपन कर दी गई है। इसका एवरेज टिकट प्राइस भी ज़्यादा रखा गया है, सिंघम अगेन का 194 रुपये है तो इसका है 227 रुपये। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि अभी तक टिकट कितने सोल्ड कर लिए हैं, तो आप लोग कह सकते हो कि सिंघम अगेन से डबल से भी ज़्यादा इसने टिकट सोल्ड कर लिए हैं, लगभग 42,000 इसने टिकट सोल्ड कर लिए हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है और बहुत ही बड़ा नंबर है। वहीं अगर मैं आप लोगों को कलेक्शन बताऊँ तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इसने 1 करोड़ से ज़्यादा की एडवांस बुकिंग कर ली है। एग्जैक्ट नंबर आप लोगों को बताऊँ तो 1,07,00,000 रुपये का इसने अभी तक एडवांस बुकिंग कलेक्शन कर लिया है, जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग और माइंड ब्लोइंग नंबर है। और ये मूवी जो है टक्कर पूरी दे रही है सिंघम अगेन को, और हो सकता है इसका लाइफ टाइम कलेक्शन भी सिंघम अगेन से ज़्यादा चला जाए अगर ये मूवी बहुत अच्छी निकल आई तो। बाकी मूवी दोनों ही लोग देखने जाएंगे, क्योंकि कुछ फैमिली ऑडियंस ऐसी है जो कि पहले भूलभुलैया 3 को देखेगी, उसके बाद सिंघम अगेन देखेगी। बाकी आप दोनों देखोगे या एक देखोगे मुझे कमेंट में बताना, अगर दोनों देखोगे तो पहले कौन सी देखने जाएगी वो भी ज़रूर बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। ऐसी ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियोज़ और एडवांस बुकिंग रिपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब मैं कहता हूँ ज़रूर कर लिया करो। तो गाइस इस पर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ।